इंडिया न्यूज में हूँ आपके साथ शोभना यादव। इंडिया 50 के बाद इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में हथियारों की बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेरठ में हथियारों के बड़े जखीरे को बरामद किया है। स्पेशल सेल ने हथियारों की अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा, 84 पिस्टल्स को बरामद किया गया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार होने वालों में सरगना सैदुल्ला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मुंगेर से पार्ट्स लाए जाते थे और मेरठ में ये हथियार बनाए जाते थे। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, जबकि 3 लोग मेरठ से गिरफ्तार किए गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हथियारों का कितना बड़ा जखीरा एन त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद किया है। एक्सक्लूसिव खबर इंडिया न्यूज पर, 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 84 पिस्टल एक बहुत बड़ी संख्या होती है आतंक और जिसे कहा जाए कि क्राइम फैलाने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम जुड़ गए हैं। मोहित, कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, त्योहार है, दिवाली है, करवा चौथ है, और उससे एन पहले दिल्ली पुलिस के हाथ, स्पेशल सेल के हाथ इतना बड़ा जखीरा लगना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अलार्मिंग भी है और दिल्ली को बचाया भी गया है। बिल्कुल शोभना, ये अपने आप में दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं और फेस्टिवल सीजन से पहले इस तरीके से हथियारों का जखीरा पकड़ा जाना अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी भी है और एक अलार्म भी है कि कहीं ना कहीं जिन बदमाशों को दिल्ली पुलिस लगातार पकड़ रही है उनके गिरोह अभी अलग अलग जगहों पर सक्रिय है। आपको बताना चाहेंगे, जो मेरठ के अंदर फैक्ट्री चल रही थी, दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को कल रात दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उनसे इनपुट मिला है कि जो उनकी हथियारों की फैक्ट्री है वो फैक्ट्री मेरठ के अंदर है। जो लोग दिल्ली से गिरफ्तार हुए थे उनके पास से 65 वेपन्स मिले हैं और वहाँ पे जब मेरठ में रेड डाली गई है तो वहाँ से बाकी वेपन्स मिले हैं। कुल 84 वेपन दिल्ली पुलिस को मिले हैं। फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब दिल्ली पुलिस मामले की जांच और कर रही है कि आखिरकार इस पूरे जो गिरोह है उसके मोड़ से ट्रेंड क्या है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जितना भी रॉ मटेरियल आता था वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।